नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड सेविन प्रडिक्शन में। तो दोस्तों, मैं आपको जो मैच कवर करने वाले हैं, शारजहाँ से बीफ T20 का फर्स्ट सेमीफाइनल मैच है जो कि दोस्तों में खेला जाएगा। बीजी वर्सेस KB टीम्स के बीच डिप्लेंस करेंगे इस वीडियो में फुल स्ट्रेस प्रेजेंट। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टेट्स अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इसी वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को अभी से लाइक करके शुरुआत करना, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, मैच का जो फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, फाइनल टीम मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो जल्दी से आकर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना है। लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, बात करें मैच की, तो मैच शाम में 6 बजे से स्टार्ट होगा और दोस्तों मैच होने वाला है क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों में विकेट की, तो बैलेंस विकेट मान के अपनी टीम बनाइएगा। ठीक ठाक सपोर्ट है, बॉलर्स भी को भी मिलता है क्योंकि विकेट अब काफी स्लो हो चुका है, तो बैटिंग उतना ज्यादा इजी है नहीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ की बाउंड्री थोड़ा छोटी होती है, तो जो हार्ड हिटर बैट्समैन होते हैं वो उसका फायदा भी उठा सकते हैं। तो ओवरऑल विकेट बैलेंस है, सबके लिए बराबर का सपोर्ट है। 140-160 के बीच आप स्कोरिंग इस मैच में देख सकते हैं। पहले दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे बीजी टीम्स की, नहीं ब्रदर गैस की। तो उनके 6 मैच हुए हैं, 5 मैच में जीत हासिल किया, सिर्फ एक ही मैच में हार का सामना करना पड़ा है और इस टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम में से एक है। इनकी तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे मोहम्मद वसीम और ऐसे हमदान ताहिर। बात करें दोस्तों वसीम की, सब लोग आप इनको जानते हो, अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज हैं, पहली बॉल से हिटिंग करना पसंद करते हैं। लास्ट गेम में शानदार 74 रन की इनिंग खेली, उसके पहले 25 रन 2 विकेट, उसके पहले एक गेम खेले नहीं थे और यहाँ पर 17 और 22 का भी स्कोर किया हुआ है। पहली बॉल से आपको हिटिंग करते हुए नजर आएंगे, यदि क्लिक कर गए तो बड़ा स्कोर भी कर सकते हैं, अदरवाइज सस्ते भी आउट हो सकते हैं क्योंकि पूरी तरह से अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज हैं। CBC के अच्छे ऑप्शन नहीं है, लेकिन CBC बनाने में थोड़ा सा रिस्क रहेगा क्योंकि वो बॉलिंग रेगुलर नहीं कराते, कभी कभार ही करते हैं, लेकिन बैट्समैन टॉप क्लास है, कभी भी लंबी इनिंग खेल सकते हैं, आपकी टीम में मस्ट हैव पिक रहना चाहिए। हमदान ताहिर की बात करें, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बैट्समैन नहीं है, लेकिन इनका फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है। सेकंड लास्ट गेम में 38 रन किए थे, इसके पहले 25, उसके पहले 101 रन की एक शतक भी इनके नाम है, लेकिन उस शतक आया था इस टूर्नामेंट की सबसे कमजोर टीम के अंगेस आया था। तो शतक को अब ज़्यादा मतलब उतनी तवज्जो नहीं दीजिएगा कि यहाँ पर जो सामने इनकी टीम है वो स्ट्रॉन्ग है, सेमीफाइनल में पहुँच के आ रही, तो मतलब उतनी बेकार टीम नहीं है, अच्छी टीम है वो भी, तो उतना यहाँ पर ईजी नहीं होगा हमदान ताहिर के लिए। लेकिन हमदान ताहिर से 20-25 रन की उम्मीद कर सकते हो, इतना जरूर आपको दे सकते हैं, ये भी अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज हैं। उस्मान खान की बात करें, हाईली टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन बस यही है कि फॉर्म लास्ट के 2-3 गेम एकदम से खराब चल रहा है। जब आए थे तो जब पहले ही गेम खेला था वहाँ पर 121 रन के धमाके इनिंग खेली थी, और दोस्तों ये मतलब इस प्लेयर के पास उतनी क्लास है, इसका फॉर्म भी अच्छा चल रहा था, लेकिन ओवर अटैकिंग होने के चक्कर में अपना विकेट फेंक के जाते हैं, इसलिए हिट और मिस वाले प्लेयर है। सिर्फ ऐसे प्लेयर ही रखिएगा, CBC मत बनाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं लास्ट के 3 गेम आउट होंगे तो सस्ते में आउट होंगे, क्लिक करेंगे तो फिर लंबा स्कोर करके जाएंगे। बात करें दोस्तों जीजू जनार्दन की, ये 2 डाउन बैटिंग करेंगे प्लस कुछ ओवर की बॉलिंग भी कर सकते हैं। लास्ट गेम में 1 ओवर 8 रन किया, वहाँ पर 24 रन किया, लेकिन लास्ट गेम में 4 ओवर 3 विकेट निकाले, उसके पहले 2 ओवर 3 ओवर 3 ओवर, मतलब हर मैच में कुछ ना कुछ और करके गए हैं, तो आपको 2 से लेकर 3 ओवर के बॉलिंग डालते हुए नजर आएंगे। प्लस 2 राउंड बैटिंग करेंगे तो अपनी टीम एज अ प्लेयर तो जरूर ट्राई कर लीजिए, सिलेक्शन भी कम है। दाऊद इजाज़ छोड़ दीजिएगा, काफी नीचे खेल रहे हैं, हो सकता है बैटिंग भी ना आए। जावेद को सिर्फ बैट फर्स्ट में ट्राई करिएगा, हिटिंग के लिए प्रमोट हो सकते हैं, बाकी कुछ खास मतलब रहेगा नहीं। उमर फारूक की बात करें, 2 से 3 ओवर डालते हुए नजर आएंगे, GL में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, जब भी खेले हैं मोस्ट ऑफ द मैचेस विकेट निकाला हुआ है। लास्ट गेम में 2 विकेट निकाले, उसके पहले विकेट, उसके पहले 2 विकेट 1 विकेट, तो मतलब 4 गेम अब तक खेले, जहाँ पर 3 गेम में विकेट मिला हुआ, टोटल 5 विकेट ले चुके हैं, तो एक अच्छी विकेट रहेगी, आप ट्राई कर सकते हो। बात करें दोस्तों अजहर की, कैप्टन है, लास्ट गेम में 3 विकेट निकाले, उसके पहले 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 4 विकेट, कोई भी मैच में विकेट लेस नहीं गया बंदा, मस्ट हैव पिक है, CBC की बढ़िया ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। जाहिद अली की बात करें दोस्तों, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है, लास्ट गेम में 2 विकेट निकाले, उसके पहले विकेट लेस थे, उसके पहले 2 मैच विकेट लेस, उसके पहले 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, तो मस्त मतलब हर मैच ऑलमोस्ट विकेट निकाला, वो सिर्फ एक आध मैच को छोड़ दिया जाए, लेकिन ये 3 से 4 ओवर जरूर डालते हैं, इनके ऊपर कट नहीं होते, तो जाहिद और अजहर दोनों आपके लिए मस्ट हैव पिक हो जाते हैं, दोनों को जरूर ट्राई करिएगा। साकिब मंजन के और मोस्ट ऑफ द मैचेस में कट होते रहते हैं, 3 ओवर 2 ओवर 3 ओवर, क्योंकि स्विंग बॉलर है, सिर्फ नई बॉल से शुरू में आपको 2-3 बार डालते हुए देखेंगे, शुरू में जितना डाल दिया तो डाल दिया, उसके बाद ना तो मिडिल में ना तो बीच में कहीं दिखाई भी नहीं देंगे, तो इसको लेने का उतना मतलब बनेगा नहीं। मुजाहिद अमीन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, ये विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर ज्यादा है, लेकिन ओवर इनके कभी कभी कम हो जाते हैं। लास्ट गेम में 3 2 4 ओवर डाले, 2 विकेट लिए, उसके पहले देखिए 2 ओवर डाले, उसके पहले 4 ओवर डाले, उसके पहले 3 ओवर 3 विकेट, उसके पहले यहाँ पे 2 ओवर कराए थे, फिर यहाँ पे 4 ओवर, तो कभी 2 ओवर कभी 4 ओवर, तो इसलिए जेल ट्राई करिएगा। स्मॉल लीग पर भी आप ले सकते हो, विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर हैं, यदि 4 ओवर करेंगे तो विकेट जरूर से लेके जाएंगे, विकेट ले जाने का कोई सवाल ही नहीं होता इनका। अब दोस्तों इनमें से जो प्लेयर को ओवर कट हो सकते हैं, उनमें से एक तो हो गया उमर फारूक, दूसरा हो गया यहाँ से साकिब मंसर, तीसरा हो गया मुजाहिद अमीन, इन लोगों के ओवर थोड़ा सा ज़्यादा कट होते हैं। हालांकि यदि हम बात करें इनके 4 ओवर बॉलर्स के, जो 4 ओवर डाल सकते हैं, तो ऐसे मोहम्मद अजहर हो गए, जाहिद अली हो गए, और यहाँ से आपको ये 2 प्लेयर हो गए जिनके 4-4 ओवर लगभग कन्फर्म है, तो 8 ओवर यहाँ से हो गए। बाकी दोस्तों जो बाकी के जो 12 ओवर होते हैं वो 4 प्लेयर्स के बीच डिवाइड होते हैं। हालांकि दोस्तों मुजाहिद अमीन के भी अच्छे खासे ओवर रहते हैं, मंसद के, इन 5 बॉलर्स के खास की, इन दोनों का तो 4-4 ओवर आप मान के चलिए लगभग कन्फर्म जो होने होता है। बाकी इनके जो टीम के 5 मेन बॉलर हैं वो यही 5 बॉलर हैं,
जिनके चार चार ओवर हाईली डालने के चांसेस हैं, लेकिन इनमें से किसी को और कट होता है तो इन दोनों का तो कट होगा नहीं, अजहर का जाहिद करके नहीं कट होने वाला है इस चीज़ को। बाकी जो तीन बॉलर बचे यदि इनमें किसी को ओवर कट होंगे तो वो मिलने वाले हैं आपको। ऊपर एक प्लेयर देखेगा जीजू जनार्दन, ये भी कुछ ओवर करके जाएगा जो कि हर मैच में कुछ ना कुछ ओवर कट रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ओवर कर रहा है, तो वो जो तीन बॉलर हैं उनके ओवर कुछ ना कुछ कटेंगे। दोस्तों बेंच में कुछ प्लेयर दिख रहे हैं, इनमें से कोई खेलता है तो आप स्टैट्स यहाँ से देख सकते हो। बाकी बेंच से मोस्ट पॉब्लिक किसी को आना नहीं चाहिए, तो आपसे होगी तो अरसलान जावेद की हो सकती है, बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है, बाकी सेम टीम के साथ कंटिन्यू करना चाहिए पीजी के। और इस मैच में जीतने के भी लोग प्रबल दावेदार हैं, विथ बैटिंग ऑर्डर मोस्ट प्रोबेबली यही प्लेइंग 11 रहना चाहिए इनका। अब बात करेंगे दोस्तों दूसरी टीम के भी की, लेकिन एक बार फिर बता दूं फाइनल अपडेट फाइनल टीम सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मिल जाएगा आप किसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों केवी की बात करें तो इनकी भी 6 मैच हुए, 4 मैच में जीत हासिल के बाद 2 मैच में इन्हें हारना पड़ा। इनकी तरफ से आपको ओपनिंग करते देखेंगे ए फर्नांडिस, फहद नवाज। बात करें दोस्तों फर्नांडिस की, लास्ट मैच में 1 रन का स्कोर किया, सस्ते में आउट हो गया, तो उसके पहले 62 रन 2 विकेट 4 ओवर, उसके पहले 56 और 25 का स्कोर किया, बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है। सिंगल लास्ट मैच में बॉलिंग भी करी हुई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट मैच और मेन मैचेस में ज्यादा बॉलिंग कराते नहीं है, कभी कभार पार्ट टाइम बॉलर, कभी कभार मिल जाती है बॉलिंग तो मिल जाती है, तो एक मैच में दे दिए थे 4 ओवर, लेकिन अब बॉलिंग नहीं कराएंगे इतना तो मैं श्योर हूं। तो अपनी टीम में जब प्लेयर ही रखिएगा, सीबीसी नहीं बनाएगा, क्योंकि सामने की टीम के पास बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, उतना इचिन के लिए नहीं होगा बैटिंग करना। बात करें दोस्तों फहद नवाज की, राइट हैंड बैट्समैन लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, मोस्ट ऑफ द मैचेस में अच्छा खासा ओवर करके जाते हैं, लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गए थे, लेकिन 3 ओवर डाल के 1 विकेट निकालने में सफल रहे थे। उसके पहले 47 किए, तो उसके पहले 66 रन 2 विकेट 4 ओवर, उसके पहले 2 विकेट 4 ओवर, देख सकते हैं यहाँ पे 4 ओवर की बॉलिंग करी, 4 ओवर की है, 4 ओवर की यहाँ पे 1 भी ओवर नहीं डाला, फिर यहाँ पे 3 ओवर डाला। अब यहाँ पे सेकंड लास्ट मैच में जो बॉलिंग क्यों नहीं करी हुई थी, उसका रीजन ये था कि यहाँ पे 4 ओवर डाल दिए थे फर्नांडिस ने, इन दोनों के भी 4 ओवर डिवाइड रहते हैं, जिसमें चांसेस 90% रहते हैं कि फहद नवाज ही करेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द मैचेस इन्होंने किया हुआ है, लेकिन एक मैच में लीग मैच था इनका, तो यहाँ पे फर्नांडिस को भी इन्होंने ट्राई किया था, लेकिन लास्ट मैच में फर्नांडिस को 1 भी ओवर इन्होंने नहीं दिया और सारे के सारे ओवर खुद किए 3 ओवर। तो 3 से 4 ओवर नवाज इस मैच में भी आपको करते हुए नजर आएंगे, प्लस आपको ओपन करेंगे, तो कैप्टनसी का बढ़िया ऑप्शन आपके लिए इस मैच में रहने वाले हैं। मस्ट पिक आपने जरूर ट्राई करना, वकाश जेट को जीएल जरूर ट्राई कर लीजिएगा, लास्ट गेम में 17 गए, उसको पहले 27 रन 1 विकेट, उसके बाद 20 लगातार 20 में स्कोर करते रहे, तो जीएल में जरूर ट्राई कर सकते हो। लवप्रीत सिंह ने लास्ट मैच 50 किए थे, जब भी मौका मिला हुआ रन अच्छा किया हुआ, 66 33 33 जरूर आप ट्राई कर सकते हो, आपको 2 डाउन बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। वलथापा बहुत नीचे खेलते हैं, कुछ खास पिक रहेंगे भी नहीं, लास्ट मैच में जरूर 38 किए थे, लेकिन उसके पहले कुछ खास था नहीं, तो आप आसानी से इनको छोड़ सकते हो, सिर्फ ग्रैंड लीग का ऑप्शन है। बात करें दोस्तों फराजुद्दीन के, स्मॉल लीग मस्ट पिक रहेंगे, लास्ट गेम में 17 रन का स्कोर किया, 4 ओवर डाल 1 विकेट निकाला, उसके पहले 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, मतलब हर मैच में मोस्ट विकेट निकालते रहे, तो अच्छी चॉइस रहेगी। स्मॉल लीग मैच अपलाइट जरूर अपने ट्राई करना, थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं। ये आ गई तैमूर को छोड़ दीजिएगा, आसिफ हयात ने 3 ओवर डाल थे 4 ओवर डाल थे, लास्ट कुछ गेम से उतना विकेट नहीं ले पा रहे, तो जीएल में ट्राई करिएगा, ब्रेक बॉलर है, आपको 3 से 4 ओवर डालता हुआ नजर आएगा। सलमान खान लास्ट मैच में हम कौन सा डिट में कराया था, इस मैच में भी हम लेके जाएंगे, लास्ट गेम में 4 ओवर डाल के 3 विकेट निकाले, और यहाँ पे खेला था 15 रन किए थे, 4 ओवर डालते 1 विकेट निकालता था, विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर हैं, 4 ओवर अपने पूरे करेंगे तो एक अच्छी चॉइस रहेगी, प्लस बैटिंग भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। उन्हें उमैद रहमान मुझे कुछ खास लगे नहीं, मैपन बहुत अच्छे लेग ब्रेक बॉलर हैं, इनको छोड़ने का रिस्क मत लीजिएगा, ये 4 ओवर पूरे करेंगे, और अब तक टूर्नामेंट में ऐसा कोई भी मैच नहीं गया जिसमें विकेट लेस रहे हूँ, हालांकि आज मैं 3-4 विकेट की तो उम्मीद नहीं करा, लेकिन 1-2 विकेट निकाल सकते हैं, क्योंकि सामने बैटिंग अच्छी है तो उतना तो नहीं निकाल पाएंगे 3-4। लास्ट गेम में उन्होंने 2 विकेट निकाले थे, उसके पहले 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, तो हॉल मैच में ऑलमोस्ट विकेट है, मस्ट हैव पिक है, जीएल के अंदर सीबीसी भी ट्राई कर सकते हो। बेंच में कुछ प्लेयर दिख रहे हैं, दिन में कोई खेलेगा तो स्टेट्स आप ऐसे देख सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली सेम प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर के साथ ही आपको दिख सकता है केवी का, जो कि मैंने बताया हुआ है। यदि इसमें कोई चेंजेस होंगे, कोई भी दोनों टीम के लाइनअप में नया प्लेयर आता है स्क्वाड से, तो उसका रिकॉर्ड आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, और उसमें जो टीम मिलेगा आपको वो भी आपको फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अभी के लिए दोस्तों फैंटेसी टीम मेरा क्या है देख लेते हैं, अभी के लिए कुछ फैंटेसी टीम ऐसा है, आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हो, हर प्लेटफॉर्म पर यूज हो जाएगा, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप खेल रहे हैं। यदि आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो बेशक अपने हिसाब से आप इसमें कोई चेंजेस भी कर सकते हो। मेरे टीम क्या देख लेते हैं, विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने हमदन ताहिर को लिया हुआ है, बैटिंग सेक्शन से मैंने फहद नवाज, ए फर्नांडिस, उस्मान खान और फराजुद्दीन के साथ जा रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन से दोस्तों मैंने यहाँ पर फराजुद्दीन सॉरी नहीं है, 3 ही प्लेयर मैंने बैटिंग सेक्शन से लिए, फराजुद्दीन पहले बैटिंग मेंशन था, अभी ऑलराउंडर मेंशन हो गया, और यहाँ से मैंने ऑलराउंडर सेक्शन से फराजुद्दीन को पिक किया हुआ, सलमान खान लिया और जीजू जनार्दन और वसीम मेरी टीम में रहने वाले। बॉलिंग सेक्शन से मैंने मैयप्पन, जाहिद अली और अजहर और कुल पिक किया हुआ है। बात करें दोस्तों कैप्टन की, तो कैप्टन में फहद नवाज रहने वाले हैं, वाइस कैप्टन मैंने वसीम को किया हुआ है, उनको रहने का दोनों का रीजन करने के साफ साफ आपको पता ही है, उन दोनों के लिए कर दिया गया क्योंकि ये नवाज के आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, प्लस 4 ओवर की बॉलिंग करेंगे। वसीम का क्या आपको सबको पता है, अटैकिंग नेचर के हार्ड हिटर बैट्समैन है, 15-20 बॉल भी क्लिक कर जाए तो बड़ा स्कोर करके जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए मेरा फैंटेसी टीम ये है, इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ आफ्टर टॉस,
कोई भी बैटिंग किसका होता है, बॉलिंग किसका होता है, उस अकॉर्डिंग थोड़े उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो जिस टीम से मैं प्ले करूँगा, जो मेरा खुद का फाइनल टीम होगा, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। तो उसके लिए आपने हमारा टेलीग्राम चैनल तुरंत आकर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने के लिए आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, लिंक मिलेगा, क्लिक करिए, तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे। फिर फर्स्ट कमेंट वीडियो को आप चेक करेंगे, पिन कमेंट होगा तो उसमें भी लिंक दिया हुआ है, आप उसमें भी क्लिक करके डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। माय स्टूडियो सारी अपडेट, फाइनल टीम, फाइनल सजेशन सब कुछ आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया था तो इसलिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कुछ ऐसा मत कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।